हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक राकेश। तो हम देख रहे हैं HTML कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमने बहुत सारे बेसिक टैग्स देखे, हमने ये भी देखा कि कैसे हम एक बेसिक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने जब टैग देखा तो टैग में क्या होता है, हमारे पास एक HTML टैग होता है। HTML टैग को हम ओपन करते हैं एंड HTML टैग को हम क्लोज करते हैं। तो उसी तरीके से जब भी हमारे पास ये जो है एक टैग हो गया, जैसे कि ओपनिंग टैग, और ये हो गया एक एंड टैग HTML के लिए। लेकिन कोई भी टैग अगर अपने अंदर कुछ भी कंटेन करती है तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स इन HTML। तो जैसे कि हमने यहाँ पे HTML को स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने HTML को एंड किया, तो ये हमारे पास HTML टैग ओपन एंड क्लोज हो गया। इसके अंदर हम अगर कुछ भी डालेंगे तो ये जो हमारा HTML टैग ओपन और क्लोज मिलके बन जाएगा एक एलिमेंट। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया टाइटल को, हम यहाँ पे स्किप करते हैं, हमने यहाँ पे मान लिया एक ले लिया बॉडी टैग। बॉडी टैग हमने ओपन किया एंड बॉडी टैग को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद अगर हम इसके बीच में हम अगर कोई ही एक हेडिंग डाल देंगे तो बॉडी टैग जो है वो हमारा हो गया एलिमेंट। साथ में हमारे पास H1 टैग है, H1 टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो हमारा H1 टैग जो है ओपन एंड क्लोज हो गया, तो ये भी हमारा बन गया एक एलिमेंट। तो आपको शायद थोड़ा अंदाजा मिल रहा होगा कि एलिमेंट्स होता क्या है। एलिमेंट्स वो होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के साथ अपने अंदर कोई भी और डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी और चीजें कंटेन करे। H1 लिखा, H1 को हमने यहाँ पे टर्मिनेट किया, तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख दे हम टैग एंड अगर हम इसे सेव एज करके रन करें तो यहाँ पे आपको इसे सेव करना है। हमने दो प्रोग्राम्स पहले ही बना रखे हैं तो हम यहाँ बनाएंगे थर्ड डॉट HTML। सेव किया तो ये हम आ चुके हैं अपने फाइल में जहां पे हमने इसे सेव किया है। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है टैग जो कि हमारा उसका बॉडी के अंदर हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास टैग्स होते हैं और ये अगर हम किसी भी टैग्स के अंदर किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं तो अगर कोई टैग जो है वो कुछ भी कंटेन करता है तो वो हो जाता है एलिमेंट्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स ऐसे कि यहाँ पे हमने मान लिया लिखा टैग एंड यहाँ पे हमने लिख दिया राकेश, तो ये एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। जब हम इसे रन करेंगे तो ये टैग राकेश आ गया। अब जब हम इसे चाहते हैं कि टैग जो हमारा वो अलग लाइन पे आए एंड जो राकेश है वो अलग लाइन पे आए तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा br टैग। अब ये br टैग जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इस जैसे कि हमने इसे रन किया तो सेकेंड जो राकेश वर्ड है वो चला गया नेक्स्ट लाइन पे। तो जो br टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए हमें ना तो ओपनिंग टैग्स की जरूरत पड़ती है ना तो क्लोजिंग टैग्स। ये अकेला टैग ही जो है वो इनफ होता है इसमें वर्क करने के लिए। लेकिन H1 टैग में ऐसा नहीं है। H1 टैग जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि H1 टैग जो है वो एक एलिमेंट की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग, और जो br टैग होता है इसे हम कह सकते हैं एक एम्प्टी एलिमेंट, इसे हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट। तो होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि एलिमेंट्स होते क्या हैं HTML में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।